मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका भाई सेड और आप देख रहे हैं स्वैक्चर एसिड व्लॉग्स। तो गाइस, आज है होली। मैं उठा हूँ अभी आराम से और यहाँ मम्मी बना रही है सुबह सुबह नाश्ता। मैंने ब्रश वगैरह कर लिया, अब सीधा नाश्ता करूँगा। खाऊँगा नहीं, पर क्यों, कोई भी आ सकता है और कोई भी रंग लगा देगा। मजाक कर रहा हूँ, मैंने बहुत सुबह जल्दी उठ गया हूँ। अब चाह रहा हूँ सुबह सुबह यार कि मैं अब बियर्ड बनवा लूँगा। और मौसम बहुत ही गजब का हो रहा है यार, गोवा ठंडी ठंडी हवा चल रही दिखी भी होगी और नीम के पत्ते गिर रहे हैं, जैसे पतझड़ का मौसम है इस टाइम। तो अभी मैंने नाश्ता बनवा लिया मम्मी से। सुबह सुबह मैं ब्रेड और मिल्क का नाश्ता करूँगा, उसके बाद पता ही दिया मैंने बियर्ड बनवाने जा रहा हूँ। और एक दो काम और है बाकी। मम्मी कह रही घर में ये काम कर ले, वो काम कर ले। घर में रहता हूँ ना तो मम्मी यही काम कराती रहे, कुछ ना कुछ काम कराती रहती ही है। तो फिलहाल कर लेते हैं नाश्ता, फिर आगे मिलते हैं। ये मम्मी क्या बना रहे हो भी? काला जी के पास्ता। नानी बना दी थी? नानी, ये मैं बना रही हूँ काला जी के वस्त्र। और बुआ क्या कर रही है वहाँ? बुआ बना रही है अपने हस्बैंड की ताई की, दादी जी के हस्बैंड की ताई की, वो क्या कहते हैं ताई जी का स्वेटर, ताई जी की स्वेटर। होली का दिन है। हाँ, तो होली का दिन है। सही है, सही है, सही आवाज चल रही है। मेरा मन था ब्रेड पकौड़ा खाने का, तो मम्मी से ब्रेड पकौड़े मंगवाए मैंने और साथ ही में चाय बन रही है। और कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, और कुछ नहीं है। मैंने मम्मी को ज़्यादा कुछ बोला नहीं, और रात में इतना सा बोल दिया था कि गाजर का हलवा बना दो, तो मैं जब तक तो मैं सो गया था गाजर का हलवा बनते बनते, तो मैं दिखा नहीं पाया। और क्या, अरे वो देख लो यार, बन गया गाजर का हलवा। दूर से कैसा दिख रहा है? पास से देखने में सही लगेगा। तो फिलहाल मम्मी यही बना रही है अभी, बाद में देखते हैं क्या बनाएंगी। खाना ही खाऊँ। I don't know why I couldn't make this work, but maybe I'll try to do this.
की मेरी चाय और ये है लड्डू मेरे फेवरेट, मेरे को नाम तो पता नहीं बट मासी ने बनाया है, मैंने एक बार ही खाया, दिल खुश हो गया था। आपने देखा ही होगा 3-4 ब्लॉग पहले आया था मैं जब मासी घर पे गया था, तो ये है वो लड्डू। पैकिंग पे मत जाना, अभी ये पता नहीं क्या पैक किस चीज़ की है बट लड्डू बहुत ही टेस्टी है। चने के लिए बैठे यहाँ पर और मैंने बनवा लिया अपने लिए मैगी, कुछ से भी है यहाँ पड़ी है छोटी दाल। शगुन जा चुकी है मासी घर पे, तो अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पापा और दादी वैसे ही नहीं है, गाँव गए और शगुन सुबह चली गई है मासी घर पे, तो वही चहल पहल बना के रखती है, वही छोटी है ना हमारे घर में, तो थोड़ा सोना सोना सा लग रहा है घर पे। होली ऐसे लग रहा है मैं और मम्मी ही बनाएंगे घर पे आज। तो खा लेता हूँ मैगी, हो गई है ठंडी, 10-15 मिनट हो गए बनाए हुए मम्मी का। छोड़ा मत हो वो धूल लपेटे में आ गया। मच्छर की दवाई मार दी यार, इसको सुन लो भाई, कोई इसकी सुन लो, इधर सब होली बना रहे हैं पर मैं होली नहीं बना। हाँ मैंने कौन सी होली बनाई, मेरे को क्या होली नहीं बनाई है, हमारे पड़ोस में बना रही है, तो देखो एंजॉय जी। भाई आ चुका हूँ साहिल के घर पे, इसके घर में चल रही है फर्नीचर का काम, बहुत ही तेजी में काम चल रहा है। बैग क्या सामान निकाल रहा है भाई, चोरी मत कर लियो। चोरी नहीं यार, वो हैंडल लाया था, देखो तो हैंडल देखो फटाफट, भाई सब गजब का काम चलवा रहे हैं। होली बनाएंगे पूरी सही है, दूसरे लाओ तो देख लो, उसमें बहुत सारे डिजाइन आता है, तो ये सही नहीं लग रहा। वो तो सही है यार, हम तो जोड़ी लाओ लोग सब पूरा सही। नहीं तो एक काम कर, भैया को भेज दे घर पे और खुद ही काम करने लग जाए यहाँ पे। सो गाइस जा रहे हैं हम लोग कीर्ति नगर, थोड़ा फर्नीचर का सामान लेना है, तो साहिल और मैं अभी फिलहाल है लोहा मंडी, यहाँ से कीर्ति नगर जाएंगे, बाय वॉक है, साथ में लक्कड़ है, ये देख लो अभी इससे फायर मारी थी एक दो बंदों पे, बेहोश हो गए थे वो, और ये बिना चश्मे के पहचान में नहीं आ रहा, होली खेल रखी है, मत सोचे ना कि भाई साहब कि कहीं गिर गिरा क्या, नहीं नहीं सही है सही है, बिल्कुल सुनसान हो रही है हर जगह।
चले गए अपने अपने गांव। अब कोई गांव चला गया, कोई अपने घर पर है। इतना सुना सुना हो गया नहीं यहाँ पर, इतनी मतलब खिलखिलाहट हो, इतनी गाड़ियों जाम लगा रहता था ना दूर दूर तक, तो कई घंटों घंटों तक ना जाम खुलता नहीं था। आंखों देखी बात है। अभी सारे लोग अपने अपने गाँव में चले गए 5-6 दिन पहले। ये पूरा मंडी है ना खाली हो गया। हाँ ये फैक्ट्री बंद है, सब बंद पड़ा, सब टोटल बंद पड़ा। ये फैक्ट्री बंद हो मतलब छुट्टी पे चले गए ना सारे वर्कर सब चले गए ना छुट्टी पे। जो बच्चे कुछ वो बेचारे काम कर रहे हैं, बच्चे कुछ आस पास के होते हैं। तो गाइस आ चुके हैं शॉप पे, एक हैंडल लेके गए थे वो वापस करवाना है क्योंकि वो पड़ रहा है छोटा। गाइस अभी आ चुके हैं यहाँ पे और बैठ के वहाँ साइड में लगता है मतलब बीच में लगता है वो बॉक्सेस वाले, तो उसका कपड़ा लेने आया, बाकी हमने प्लाई वहाँ रख दिया। उसके बाद अभी जाएंगे हम लोग उसके जो बोलते हैं नग वगैरह के वो लेने जाएंगे। अभी डिसाइड कर रहा है साहिल क्या करना है क्या नहीं चाहिए, कौन सा कपड़ा लेना है, किस टाइप का लेना है। भाई कलर बुक आ गई है, लो भाई कलर बुक आ गया, अब देख रहा भाई कौन सा लेना कौन सा कलर नहीं लेना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना तो परेशानी हो जाता है, मतलब कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है बिल्कुल ही। भाई ले तो लाइट में ही ले, ज़्यादा डार्क भी मत लियो बुरा लगेगा नहीं तो, क्योंकि डार्क है ही अपना बेड। डिसाइड कर यार दूसरी शॉप पे आ गए। भाई साहब को कुछ जल्दी से पसंद ही नहीं आता। भाई साहब इतना सारा तामझाम निकाल दिया, इसको अभी भी कंफ्यूजन है। क्या चाहते हो भाई आप, क्या चाहते हो भाई, कितनी सारी बुक्स निकलवा दी, नया नया कॉन्ट्रैक्शन निकलवा दिया, सब अलग अलग तरीके से उसको लिखवा रहे हैं, फिर भी भाई साहब इतनी कंफ्यूजन है। वही होते ना दो चार पीस दिखाने चाहिए, उसी में पसंद करना चाहिए, नहीं तो भाई साहब तेरे जैसे बंदे तो कंफ्यूज करके रख दे अच्छे से। नहीं कोई बात होती है क्या, बहुत देर होगी भाई साहब इधर से उधर शॉप पे लेके जा रहा है, इस शॉप पे आ गए इस शॉप पे भी कह रहे हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा कहाँ आएगा। ये लोग अभी भी लगा है फ़ोटो खींचने में, पूछ रहा है कभी किस भैया से कभी दीदी से कि क्या लेना चाहिए। क्रीम कलर भी दिखाना है, ये लो क्रीम कलर, सारे कलर में दिखा दें, पूरी दुनिया के सारे कलर भी रख देंगे ना, फिर बोला कुछ और दिखाओ। जा रहा था बीड बनवाने, भाई साहब ने बुला लिया, वहाँ भी नहीं जा पाया, यहाँ भी काम पूरा नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि भाई साहब को पसंद नहीं आ रहा। ये लो क्या यार। सो फाइनली गाइस भाई ने ले लिया है कपड़े, बड़ा परेशान कर कर के इसने ले लिए, 1.5-2 घंटे ख़राब करने के बाद 1.5-2 मीटर कपड़ा ले चुका है ये। तो मेट्रो जा रही है, देख कीर्ति नगर लेने आ गए नग। अबे इधर आ पास में आ, अच्छा लग रहा है यार सब देख के, अच्छा तो बढ़िया लग रहा है। ये देख रहा ये लगा दो कान तो सीधा हुआ तेरा। तो गाइस सो गए यहाँ पे पूरा अपना काम वाम, जो जिस काम से आए थे हम, कुछ सामान इसके अंदर है हैंडल का, और एक बैठ के सर पे होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको मेरे को जानने, क्या कहते हैं उसको, बैठ के सर के अपन पीछे बनाने का दिया, जो फ्लाई वगैरह दिए कुशंस टाइप का, क्या चीज़ है वो, बैट का कवर है वो, हाँ बैट का बैक साइड का कवर होता है, हेड कवर है, तो उसको बनवाने के लिए दिया है। अभी परसों मिलेगा वहाँ, मेरे को नहीं पता था कि मेरी कोई जानकारी में निकल जाएगा, मैं देख तो लिया था बट मैं सोच रहा था कि मैंने देखा है इसको, मैंने कहीं देखा, उसने आगे से मेरे को बोल दिया थोड़ी देर बाद में यार कि तू देखा हुआ लग रहा है भाई मेरे को, कहीं चोमू वगैरह में, अच्छा भाई ब्लॉग बनाया था, ब्लॉग पूरा ब्लॉग में देखा था मैंने, ब्लॉग में भी देखा था और मैंने चोमू में मिला था तुमसे,
ना चोमू तो जाता था, मैंने कहा रहते हो, कह रहा भाई डीप व्लॉग, मैंने भाई मैं भी डीप व्लॉग, साहिल बोला मैं भी डीप व्लॉग ना, फिर बात पता चला कि संजू मेरा दोस्त है, उसके ही दोस्ती में है। अभी फिलहाल ले लिया लाहौरी जीरा, बहुत देर से घूम रहे थे उधर, प्यास भी लग गई है। बाकी सोच रहा हूँ कि आज साहिल को काट लेता हूँ भाई, कुछ तो खिला दे, इतनी देर होगी घुमाते घुमाते होली के दिन पे कोई नहीं मिलता। तो भाई दाल मुरी बना दिया, मैंने सोचा बड़ा काटू पर छोटा ही काट रहा हूँ उसको मैं। खाओ जी भर के खाओ, फेंक दी अपनी तो चल रही है भाई, ये गया जालमुरी। इस काम से मैं बाहर गया था, फाइनली वो 6 घंटे में करके आ चुका हूँ। पेट बनवाने जाना था, पेट बनवा लिया और अब खाऊंगा मैं खाना। तो पहले फटाफट से खाना खा लेता हूँ क्योंकि मैं 5-6 घंटे से बाहर हूँ और मम्मी कर रही है मुझे गुस्सा। अभी बच रहे हैं 8:30 हो गए, क्योंकि साहिल के साथ घूमते घूमते मुझे हो गए थे 6:30। घर पर भी नहीं आया मैं, सीधा चला गया पेट बनवाने। तो उसके बाद मेरी बैटरी हो गई थी डिस्चार्ज फ़ोन की, और अभी लगाया कम से कम 50% चार्ज हो गया ना। मैंने पहले ब्लॉग शूट कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे और फिर आगे। रात का खाना, रात के खाने में है रोटी और पनीर की सब्जी और ये है मिर्ची के पकोड़े। तो खा लेता हूँ मैं खाना, अभी साथ में मेरी मिठाई रह रही है, क्या है, गाजर का हलवा, बस यही खाना है फिर सो जाना है। सो गाइस खा लिया है मैंने खाना, खाना बहुत ही लजीज था क्योंकि बहुत सारी सब्जी खा रहे थे अलग अलग अलग। मैंने इस टाइम मेरा मन करा कि मम्मी को बोले, तो मम्मी ने बोला कि फली है, मैंने हाँ ग्वार की फली है तो वो बना दो, तो मम्मी ने बना दी ग्वार की फली क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है फलियों में सबसे ज़्यादा वही। तो मैंने चलो कुछ हटके बना लो यार, मटर पनीर, छोले, राजमा, सब ये चलता रहा था, इस बार ही कुछ हटके बनाओ और थोड़ा डिफरेंट सा बनाओ। तो मेरा थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये था कि मम्मी ने सीधा ग्वार की फली बना दी और साथ ही साथ मम्मी ने गाजर का हलवा भी बना लिया था, तो वो भी टेस्ट करा, बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया। बट आज मैंने होली इन्जॉय दूसरों को देख के करी, आज सूना सूना घर से इसलिए था क्योंकि मैं और मम्मी थे, ना पापा थे, ना दादी थी, ना शगुन थी, कोई भी नहीं था। तो हम बस मम्मी और मैं ही घर में बातें कर रहे थे, बाहर बैठ रहे थे, घर में बैठ रहे थे, घर में बैठ रहे थे, कभी बाहर बैठ रहे थे, तो यही सब चलता रहा। दोस्तों को देख देख के हम खुद ही इंजॉय कर रहे थे, बट क्या करें यार, मज़ा ही नहीं आया आज का, ऐसा निकल गया ना होली दूसरी टाइप का मज़ा आया, मतलब खुद इंजॉय नहीं कर रहे, दूसरों को देख के इंजॉय कर रहे। बट ये चीज़ अलग होती है, देखो हर कोई नहीं कर सकता ये चीज़ कि दूसरों को देख के खुद इंजॉय करना। कई बार क्या होता है कि खुद इंजॉय कर रहे बस, दूसरे जो भी कर रहा है ठीक है, बट ये चीज़ अलग है कि मज़ा आता है यार दूसरों को इंजॉय करते हुए खुद भी इंजॉय करना उस चीज़ को देख के। तो शगुन तो वहाँ से कही तो कोई है नहीं, वही हमारे कल घर की खिलखिलाहट, आपको जैसे कि पता है कि वो छोटी है तो वही ची ची पी पी करती आती, अगर वो होती ना घर में तो घर में सारा गंदगी मचा देती, वहाँ रंग गेर दिया, वहाँ यहाँ पर गुब्बारा फेंक दिया, आ रही है पानी भी खेल रही है, तो सब उसको मिस कर रहे हैं हम आज क्योंकि वही हमारे घर की खिलखिलाहट है घर की। तो यार पापा भी आ जाएंगे परसों तरसों, दादी रहेगी कुछ टाइम के लिए जोधपुर पाली में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार, तुम्हारे भाई का चैनल है स्वेक्चर असित का। गुड बाय एंड टेक केयर।